ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਨਾਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਂਚ ਇਸਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕਾ ਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾ 7, ਤੋ 7 ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਮਾਰਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਔਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਹਮਾਰਾ ਲੈਂਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਭੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮ ਔਰ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਇਨਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਕੋ ਸਕੂਨ ਨਾ ਰਾਤ ਕੋ ਚੈਨ। ਯੇ ਜੀ ये इसकी स्कैमेटिक देखें, इन्होंने ये डाउनलोड की है, कितनी मेहनत के साथ, ये कहीं से नहीं थी मिल रही। ठीक है, ये हमने, और ये थैंक यू, और ये पहली मशीन होगी जो हम लोगों ने बहुत जल्दी ठीक कर ली। हाँ, इनके इसके इतने कॉम्प्लिकेटेड जो इसके थे फॉल्ट, वो हम लोगों ने इसमें सॉल्व कर दिए, और इंशाल्लाह ताला ये इसकी जो चीज़ रह गई है वो भी हम कोशिश करते हैं कि उसको भी ऑपरेट करवाने में कामयाब हो जाएं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो इंशाल्लाह हम लोग चंद ही मिनट्स में वो काम भी कर लेंगे। और अभी हम डॉक्टर साहब को बुला के उनको दिखाने लगे हैं कि डॉक्टर साहब ये है छोटा सा काम जो हम लोग करने के काबिल हुए हैं आपकी बदौलत। ठीक है, तो ये देख लें जी, ये मशीन है जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी, तो जब इंसान कोशिश करे तो अलग अलग ईजाद यकीनन उसको कामयाबी भी अता करती है। कुछ कामयाबी बज़ाहिर नज़र आती हैं, कुछ जो हैं वो अल्लाह ताला बाद के लिए रख लेते हैं कि बंदे को अभी ज़रूरत नहीं है इस कामयाबी की, जब टाइम आएगा तो इसका रिगार्ड उसको दे देंगे। तो ये देख लें जी, ये हैं वो इंजीनियर जिन्होंने ये मशीन जो है ठीक की है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी। जी तो ये जिस कंपनी को भी ये देखें, ये लगे महसूस करे हो तो ये रब्ता कर ये सर्विस, इसकी हम लोगों ने सर्विस भी की थी। तो जी अब्दुल्ला भाई, ये कौन सा मॉडल है ये काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये जिसकी सर्विस की है और जिसको ऑपरेशनल किया है जिस मशीन को। सर ये लाइका की है, जंग फ्राइगोकट 2800E जो है वो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों है, आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं इसे मैनुअली भी कट को, क्योंकि वो जब आप यहाँ पे स्पेसिमेन रखते हैं और यहाँ पे ब्लेड लगाते हैं और उसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना होता है, ताकि वो आपने सिर्फ उसका एक ही कट लेना होता है ना उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पे आप लगाते हैं अपना स्पेसिमेन और उसको आप कनेक्ट कर देते हो दोबारा इसके ऊपर, और यहाँ पे आपका आता है ब्लेड, ब्लेड के बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कि हम कितने डिग्री पे इसके ऊपर काम करेंगे, उस हिसाब से इसके करीब कर देते हो आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसके करीब कर दिया। इसकी जो कटिंग है सर वो कितने एनो तक हो सकती है? सर ये 0 से 60 माइक्रोमीटर जो है वो माइक्रोन जिसे बोलते हैं अक्सर, ये देखें उसकी लिमिट है जी, ये 0 है और ये इसकी मैक्सिमम जो है वो जाती है 60 माइक्रोन तक। ज़्यादातर जो है वो 5 माइक्रोन तक यूज़ करते हैं, 5 या 10। ये हमारा अभी सिस्टम जो है वो 5 डिग्री पे रुका हुआ है, ये जैसे ही ये 60 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा कंप्रेसर, या मे बी करके दिखाएं आप। ये देखें अच्छी बड़ी इसने नीचे बर्फ़ जमा दी है, ये कूलिंग एरिया, ये भी कूलिंग एरिया है इसका, और ये भी ये सामने जो है इसमें भी ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से आती है इसके लिए। बाकी आपको इसको रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद आप यहाँ से वो पॉइंट जो है उसे
असल में हमारे पास भी वो अवेलेबल नहीं है इसका ट्रिगर स्विच, तो हमें आपको मैनुअली इसे कंट्रोल करके दिखाना पड़ेगा, जो कि हम लोग जंपर लगा के तरीके से करके दिखाते हैं। यहाँ पे इसका वो पैडल नुमा स्विच है जो लगता है, उसकी जगह पे अब्दुल्ला साहब वो लगा रहे हैं। ये देखें, ये मशीन ऑपरेट हो गई और ये है इसका, अभी इसका क्लच जो है वो फंक्शनल नहीं है, बाकी हर चीज़ ओके हो गई है जी। अब ये 6 डिग्री पे आ रहा है, दोबारा ये 7 के बाद दोबारा ये ऑन।